महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। अजीत पवार ने एक बार फिर से शिवसेना संजय राउत और उद्धव ठाकरे को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। जैसा कि आप सबको पता है यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम ने रफ्तार पकड़ लिया है। महाविकास अघाड़ी में तीन दलों ने दो दो प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस को अपना दूसरा उम्मीदवार चुनने के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ में एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने शिवसेना के समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों से संपर्क किया है। अब इस पर जो है शिवसेना नेता और संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दूं कि यहां पर जैसे कि अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि अजीत पवार ने उन निर्दलीय विधायकों को फोन किया था जो कि पिछले कुछ टाइम से लगातार शिवसेना का समर्थन कर रहे हैं, वो जो है उन निर्दलीय विधायकों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना का समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायक अजीत पवार के संपर्क से पूरी तरह से हैरान हैं और इस बात की चर्चा अब जो है पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। इस बारे में जब संजय राउत से पूछा गया तो संजय राउत के द्वारा बोला गया कि हर पार्टी अपने विधायकों का ख्याल रखेगी और उसका जो है उनको ख्याल रखना भी चाहिए। वही काम शायद इस टाइम अजीत पवार भी कर रहे हैं। साथ में ही उनके द्वारा बोला गया कि राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय विधायकों की भूमिका जो है वो भी अहम होगी, इसीलिए कांग्रेस और एनसीपी निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताने के लिए एक एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों बाला साहब थोराट और अशोक चव्हाण ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। पता चला कि बैठक के दौरान तीनों नेताओं में विधान परिषद चुनाव को लेकर झगड़ा हो गया था। अंततः निर्दलीय उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, जैसा कि अभी अभी अपडेट आ रही है। इस बीच विधानसभा परिषद की 10 सीट के लिए 20 जून को चुनाव हो रहे हैं। इन 10 सीट के लिए 11 उम्मीदवार के मैदान में होने के कारण यह तय हो गया है कि चुनाव जो है वो कड़ा होगा। इसीलिए देखना होगा कि बीजेपी महाविकास अघाड़ी को आगे बढ़ाएगी या महाविकास अघाड़ी इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।